हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राकेश में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और आर्क यानी कि चाप की लंबाई अब कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ एक वृत्त से संबंधित है। वृत्त आखिर क्या होता है? तो वृत्त देखिए क्या होता है। तो वृत्त एक जो सर्कुलर पार्ट होता है, वृत्त होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, एक जो सर्कुलर पार्ट है ये क्या है? वृत्त है, ठीक है ना। और वृत्त में और एक सेंटर ले लेते हैं, वृत्त का सेंटर हो गया ये, ठीक है। वृत्त का सेंटर ये हो गया और ये सेंटर से आप जब कोई भी रेखा वृत्त के परिधि यानी ये जो परिधि है उस परिधि तक खींचेंगे तो इस तरह दो जो त्रिज्या है उन त्रिज्या से जो जगह आप घेरते हैं उसी को कहा जाता है त्रिज्याखंड, उसी को कहा जाता है त्रिज्याखंड। जैसे देखिए, मैं इस जगह को मार्क कर देता हूँ तो ये त्रिज्याखंड है। अगर आप इसका नाम दे दें ए बी और इस सेंटर का नाम दे दें ओ, तो इस तरह ए ओ बी एक त्रिज्याखंड बनता है। इस तरह जब आप एक त्रिज्याखंड बनाएंगे तो इसमें दो त्रिज्याखंड बन जाता है, एक लघु त्रिज्याखंड बन जाता है और एक दीर्घ त्रिज्याखंड बन जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो त्रिज्याखंड बना ये लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा, यानी जो छोटा भाग है वो लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा, ठीक है। और ये जो दीर्घ पार्ट है ये दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा, यानी जो बड़ी भाग है उसे दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर दो त्रिज्याखंड बनता है, एक एओबी लघु त्रिज्याखंड बनता है और एक बनता है दीर्घ त्रिज्याखंड। चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है ना। वृत्तखंड क्या होता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक वृत्त ले लिया, ठीक है, और चलिए हम इसमें एक सेंटर ले लेते हैं, ठीक है ना। और इस सेंटर से दो त्रिज्या हम इस तरह खींच दिए दो त्रिज्या, और इस त्रिज्या को हमने मिला दिया एक जीवा से, है ना। मान लीजिए ए बी और ये सेंटर हो गया आपका ओ, तो इस तरह ए ओ बी एक त्रिज्याखंड भी मिला। लेकिन इस त्रिज्याखंड में जब आप एक ए बी एक जीवा खींच देंगे तो जीवा से जो स्पेस सराउंडेड होता है, जैसे ये भाग है ना, तो ए और बी इनके बीच के जो ये पार्ट होता है इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। समझ रहे होंगे, अर्थात ए बी और ए बी जीवा और इस परिधि के बीच का जो भाग होता है उसे ही कहा जाता है लघु वृत्तखंड, ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर आप इस ए ओ और ओ बी अर्थात अगर इस त्रिज्या को छोड़ दें तो ए बी के जो इधर का पार्ट होता है, जो मैं अलग कलर से मार्क करके आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये सारा भाग जो है, जो ए बी के आपके ए बी के लेफ्ट साइड में है, इसे कहा जाता है दीर्घ वृत्तखंड। तो इस तरह जब एक जीवा खींचेंगे तो इस जीवा से दो पार्ट बन जाते हैं, है ना, दो पार्ट बन जाते हैं वृत्त के। तो एक भाग जो छोटा बनता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं और ये जो बड़ा भाग बन गया इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो इस तरह आप समझ गए कि वृत्तखंड क्या होता है, अर्थात जीवा और परिधि के बीच की जो जगह होती है उसी को वृत्तखंड कहा जाता है। अगर कोई एक जीवा लेते हैं आप तो इसमें दो वृत्तखंड बनता है, ठीक है ना। दो वृत्तखंड बनता है, एक लघु वृत्तखंड बनता है और एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। लघु वृत्तखंड यानी छोटा भाग, जो ए बी और परिधि के बीच का जो छोटा पार्ट होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं और जो बड़ा पार्ट होता है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब हम आपको बताते हैं कि आर्क माने कि चाप की लंबाई, चाप क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम चाप की लंबाई आपको बताते हैं, ठीक। जो चाप की लंबाई है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, चाप की लंबाई।
तो चलिए हम फिर एक वृत्तखंड लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं, जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है, और ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है ना। और सपोज दैट कोई आप जीवा ले लीजिए इसमें, या जैसे इसका नाम हमने दे दिया पी, ठीक है, इसका नाम दे दिया पी और इसका नाम दे दिया क्यू, और एक बिंदु और कोई ले लीजिए, जैसे ओ ले लीजिए, यहाँ आप आर सेंटर ले लीजिए। तो इस तरह जो पी ओ यानी पी से लेकर जो ओ क्यू, पी ओ क्यू यानी जो चाप होता है पी ओ क्यू, ऐसे लिखा जाता है चाप। तो ये जो चाप पी से क्यू तक की जो दूरी है इसको कहते हैं चाप की लंबाई। तो इसमें दो लंबाई बन जाएगा, एक बनेगा पी ओ क्यू, अगर यहाँ पर हम छोटा आर ले लें तो एक चाप की लंबाई बन जाएगा पी ओ ओ आर, ठीक है ना। इस तरह दो चाप की लंबाई बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है यानी पी से जो क्यू तक की दूरी होती है एक चाप की लंबाई होती है, तो एक हो गया लघु चाप और एक हो गया दीर्घ चाप। आप समझिए होंगे कि दीर्घ चाप कौन सा हो गया, तो दीर्घ चाप जो है आपका ये पार्ट जो है दीर्घ चाप हो गया, ठीक है ना, और जो ये वाले पार्ट है ये आपका हो गया लघु चाप, ये हो गया आपका लघु चाप, है ना। तो इसमें जो दसवीं क्लास में जो ट्वेल्थ चैप्टर है उस ट्वेल्थ चैप्टर में आपको बताया गया है कि ये जो लघु चाप है, दीर्घ चाप है, या जो आपने अभी त्रिज्याखंड पढ़ा और जो वृत्तखंड पढ़ा, इनका क्षेत्रफल निकालें, लघु चाप की लंबाई निकालें, है ना। तो चलिए आप, हम मैं ये बताने जा रहा हूँ कि लघु चाप की लंबाई आप कैसे निकालेंगे, त्रिज्याखंड की लंबाई आप कैसे निकालेंगे और वृत्तखंड की लंबाई आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन सब के फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आता होगा, आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और फिर आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, एक वृत्त है और सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए हम इसमें एक सेंटर लेते हैं, सेंटर ले लिए, ठीक है ना, और दो त्रिज्या ले लेते हैं, त्रिज्या ले लिए, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया और ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। आप देखते हैं कि जब दो त्रिज्या आप लेते हो तो दो त्रिज्या के बीच में एक एंगल बन जाता है, है ना। इसे यहाँ जो भी एंगल बनेगा उसको हम थीटा से डिनोट कर लेते हैं, ये थीटा हो गया, ठीक है ना। तो ये जो लघु त्रिज्याखंड बना, लघु त्रिज्याखंड बना या दीर्घ त्रिज्याखंड बना, आपको दीर्घ त्रिज्याखंड अगर आप लेंगे तो इधर का एंगल आप पुट करोगे, और लघु त्रिज्याखंड लोगे तो आप इधर का एंगल पुट करोगे, है ना, छोटे वाले का पुट करोगे। तो चलो, तो त्रिज्याखंड कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्याखंड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, त्रिज्याखंड निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी इसके बीच जो जगह है वो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो वो जगह निकालने के लिए चलिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा, यानी जो यहाँ एंगल बना, यानी इस पार्ट में जो एंगल बना है इस पार्ट में, है ना। चलिए मैं एरो के द्वारा आप दिखा देता हूँ, है ना, इस पार्ट का क्षेत्रफल थीटा अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा हमें, तो चलिए हम इसे थोड़ा साफ कर देते हैं और फिर से बता देते हैं आपको कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। खंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको इस पार्ट का निकालना हो, ठीक है ना, लघु त्रिज्याखंड का निकालना हो, तो आप इधर का एंगल डाल दीजिए और आर का मतलब ये आर, यानी
उसे ए के बीच की दूरी जो त्रिज्या है उसे आर कहते हैं। पाई का वैल्यू कभी दिया रहता है 3.14 और कभी नहीं दिया हो तो पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इस दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना है ना, दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना है तो आप इधर जो ये एंगल है ये डाल दोगे, ठीक है ना, यहाँ पर थीटा की जगह। तो इस तरह आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे, ठीक है। अब हम बताते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक वृत्त लेते हैं, छोटा सा वृत्त ले लिए, ठीक है ना। इस वृत्त में देखिए जब आप दो त्रिज्या बना देते हो, ठीक है ना, और एक जीवा बना देते हो, है ना। तो इस तरह से जो ये कलर पार्ट है ना, ये एक वृत्तखंड बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्तखंड। तो कभी भी अगर वृत्तखंड का निकालो तो आप यहाँ देखो, गौर से देखो, जो AOB है त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड AOB में जब AB जो जीवा है इसके द्वारा एक त्रिभुज बन जाता है AOB। क्या बन जाता है? त्रिभुज AOB। तो इस तरह त्रिज्याखंड में से AOB माइनस कर दोगे, सिंपली कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अगर त्रिज्याखंड आप निकालो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उन दोनों का आप आपस में माइनस कर दो तो आपका लघु वृत्तखंड आ जाएगा। और पूरे वृत्तखंड यानी पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड माइनस कर दो तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला इस तरह हो जाएगा, अगर आपको सिंपली फाइंड करना हो तो लघु, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, कलर थोड़ा डार्क ले लेते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल कर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, है ना, तो आपका निकल जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। और उसी तरह अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे और लघु वृत्तखंड को घटा दोगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो समझ में आ गया होगा आपको। और चलिए आपका यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि इज इक्वल टू जैसे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको समझ में आ गया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं और वो निकाल कर माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा कि आप कैसे निकालोगे, मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालोगे और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चलिए हम आगे बताते हैं आपको चाप की लंबाई कैसे निकालोगे, चाप की लंबाई कैसे निकालोगे। तो चलिए एक वृत्त लेते हैं, है ना, एक वृत्त ले रहे हैं और एक वृत्त ले रहे हैं, देखिए एक वृत्त हो गया, ठीक है, एक वृत्त हो गया और इस वृत्त में एक जीवा ले लिया AB और यहाँ मान लीजिए हमने O पुट कर दिया, ये सेंटर है। तो इस तरह चाप की लंबाई है ना, है ना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है ना, चाप की लंबाई निकालना हो तो चाप की लंबाई बराबर होता है यानी AOB। चाप की लंबाई निकालना हो तो आपको निकालना होगा थीटा अपॉन 360, ठीक है ना, 360 इंटू 2πr, ठीक है ना, 2πr, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। यहाँ जो एंगल बनता है ना, जैसे ये एंगल बना है ना, तो यहाँ का एंगल क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। तो जब थीटा डाल देंगे और ये आर हो गया आपका, ये आर डाल देंगे, 2π का वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 डालेंगे, और आर का मतलब होता है त्रिज्या यानी त्रिज्या की लंबाई दिया रहता है, तो ये डाल देंगे और इसे कैलकुलेट कर देंगे तो आपको निकल जाएगा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई।
अगर आप लघु जो त्रिज्याखंड है उसका थीटा डालेंगे तो लघु चाप की लंबाई निकलेगा, अगर आप दीर्घ वृत्त दीर्घ त्रिज्याखंड जो है उसका थीटा डाल देंगे तो दीर्घ चाप की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन भी करके आपको दिखाता हूँ त्रिज्याखंड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, और चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे और वृत्तखंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। एक चलिए एक वृत्त लीजिए, चलिए एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने एक वृत्त ले लिया, एक सेंटर डिनोट कर दिया, इसको सपोज दैट हम ओ लिख देते हैं, ठीक है ना, ओ लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब सपोज दैट ओ लिखने के बाद चलिए हम एक त्रिज्या ले लेते हैं, ये त्रिज्या ले लिए, ठीक है, और इस त्रिज्या में आपको यहाँ ए ले लेते हैं, ए यहाँ ले लिया बी, ठीक है, और थीटा हमारा दे रखा है चलो 60 डिग्री, 60 डिग्री का थीटा दे रखा है, और जो आपका आर है सपोज दैट आर आपका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर है। सब क्वेश्चन नंबर एक, चलिए क्वेश्चन नंबर एक लीजिए। अगर आपको कहा जाए कि कोई वृत्त है और वृत्त में जो एक त्रिज्या है वो त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और दो त्रिज्या से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो इस तरह जो त्रिज्याखंड बनता है लघु त्रिज्याखंड उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया था, त्रिज्याखंड यहाँ आर बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर, है ना, और जो थीटा है वो थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री, है ना। तो आपको आर प्राप्त हो गया, थीटा प्राप्त हो गया, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड आप लिख देंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करोगे, थीटा डाल दोगे 60, डाल दिया 360, ठीक है ना, पाई आपका है 22/7 और आर जो है आपका वो है 5 सेंटीमीटर, तो दो बार डाल दीजिए 5 × 5, ठीक है ना, 5 × 5। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, है ना, 6 बन जा 6 6 6 जा 36 कैंसिल हो गया। अब कोई कैंसिल होगा इसमें नहीं होगा, कोई कैंसिल नहीं होगा, देखिए तो 5 5 और 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो 5 5 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए हम आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो 5 5 यहाँ स्पेस की कमी है, तो थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे साफ करूँगा, ठीक है, तो चलिए आप लोगों नोट डाउन कर लिए होंगे, अब मैं इसे साफ करता हूँ, है ना, चलिए फिर से लिखकर बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या था, ये था 360 × 22/7 × 5 × 5, ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू फाइव, ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 6 × 6 6 6 कैंसिल हो गया, और आपको बचा क्या, ऊपर बच गया 22 × 5 × 5, नीचे बचा आपका 6 × 7, ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 = 25 25 2 = 50 50 0 हो गया, 5 कैरी आ गया आपका, ठीक है ना, आप फिर 25 2 = 50 और 5 55 हो गया, यानी 5 5 0 upon 6 7 = 42 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया।
तो इस तरह आपको पता चल गया होगा एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और बाकी जो एक्सरसाइज है वो सारा करके दिखाऊंगा जितना संभव हो सके, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इतना समझिए कि वृत्तखंड क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है और वृत्तखंड की फॉर्मूला क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखेंगे हमारा। तब तक के लिए अलविदा।